तेल किस तरह दे रहा है रिटेनिंग में। एक मरतबा रेस करो और बंद कर दो, फिर छोड़ दे छोड़ दे बंद कर, गाड़ी बंद कर सीधा। गाड़ी में दिक्कत है कि 0559 जब रेस करते हैं तब एक्टिव हो जाता है, फिर जब रेस छोड़ देते हैं 20 से ऊपर आरपीएम जाता है तब एक्टिव हो जाता है, जब 20 से नीचे रहता है तो इनएक्टिव हो जाता है। तो ये वाला जो रिटर्न वाला है कॉमन रेल, जो रिटर्न वाला पाइप है, इसको हम खोल करके यहाँ से उठा करके अब चेक करेंगे। इसका चेक करने का प्रोसेस ये है कि यहाँ पर गाड़ी स्टार्ट हो जाने के बाद ज़रा से भी डीजल नहीं आना चाहिए। और ये जैसे देखिए पाइप खोले हैं, डीजल आ रहा है, इसका मतलब लग रहा है ये पीआरवी जो बोलते हैं वाल यहाँ दिख रहा है आपको, वो लग रहा है रिटर्न डायरेक्ट हो गया, वो ख़राब हो गया स्टार्ट करने के बाद। चलिए देख लेते हैं, अगर स्टार्ट करने के बाद यहाँ नहीं आना चाहिए डीजल, आ गया तो ये ख़राब है नीचे वाला, नहीं आए तब ठीक है, देखते हैं स्टार्ट करके। चलिए स्टार्ट कीजिए जी। बंद करो, बंद कर। एक प्रॉब्लम है थोड़ा, ये वाला रिटर्न वाला जो है इसमें कोई डब्बा लगाना पड़ेगा। लाओ एक बोतल देता हूँ, काट के देना थोड़ा, बोतल दीजिए। ये वाला जो है ना रिटर्न वाला उधर से आ जाता है, इसमें हम एक बोतल लगा देंगे फिर इसको अच्छी तरीके से चेक करेंगे। अभी चेक नहीं हो पा रहा ढंग से, तो सबसे पहले हम बोतल लगा लेते हैं उसमें। देखिए ये वाला पाइप में हम लगा दिए बोतल काट करके। चलो स्टार्ट करो भाई गाड़ी, रेस कीजिए, यहाँ से डीजल नहीं है। रेस कर। रेस किया देखे आने लगा ना, रुक जाओ रुक जाओ बड़ा रुक। देखिए तेल किस तरह दे रहा है रिटेनिंग में। एक मरतबा रेस करो और बंद कर दो, फिर छोड़ दे छोड़ दे बंद कर, गाड़ी बंद कर सीधा। देख लिए कैसा तेल दे रहा है, वाल बिल्कुल ख़राब है इसका, ये वाला वाल कर चेंज कर देंगे सही हो जाएगा। कमिंस का ये पीआरवी वाल, इसको बाहर निकाल के दिखा देते हैं आपको। एजेंकिया का है ये इंजन, एजेंकिया का ये अम्ब्रेला का थोड़ा बड़ा रहता है, ये एजेंकिया का है, ये रिटर्निंग यही पीआरवी वाल है, ये इसका प्रिंट। इसको खोलने के लिए सबसे पहले इधर दिखा, ये वाला कपलर बाहर निकाल के, ये जो है इंटेक टेम्परेचर वाला सेंसर, इसको बाहर निकालेंगे, उसके बाद ये 19 नंबर से खोलेंगे, फिर चेक करेंगे यहाँ रिटर्निंग से डीजल आ रहा है कि नहीं। गाड़ी स्टार्ट करने के बाद, फुल रेस करने के बाद यहाँ ज़रा सा भी डीजल नहीं आना चाहिए, अगर आ गया डीजल तो ये वाल ख़राब है। अभी लगा करके फिर स्टार्ट करके चेक करके बताते हैं। सेंसर स्टार्ट करने के बाद इसमें 19 नंबर का चाबी लगा करके इसको खोलेंगे। सेंसर भी बाहर निकालना, बढ़िया देखो सेंसर भी बाहर निकालना पड़ गया, खुल नहीं रहा था चाबी बहुत ही ज़्यादा टाइट था ये। ये वाला पुराना वाला है, ये नया वाला है, नया वाला लगाते हैं फिर चेक करते हैं। ये वाल भी टाइट हो गया, इस इंटेक टेम्परेचर वाला सेंसर भी लग गया। अब ये इसका कपलर है, कपलर लगा करके फिर दोबारा गाड़ी स्टार्ट करके चेक करेंगे, कपलर भी लग गया देखिए। अब इसी तरह रहेगा, यहाँ से डीजल नहीं आना चाहिए, फिर से दोबारा बोल रहे जब गाड़ी स्टार्ट करेंगे तो। चलिए गाड़ी स्टार्ट करते हैं, पहले गाड़ी का न्यूट्रल देखेंगे। कौन चाबी है यार इसके, चाबियों साला सब बेच बाच के लग रहा खा गया सब ड्राइवर, स्ट्रिंग लॉक हो गया है, मीटर ऑन हो गया,
लंबा सेलअप लगा, वो खुल जाता है। गाड़ी स्टार्ट हो गया, कहाँ लगा यार? डब्बा लगा दिया, अब चेक करते हैं स्टार्ट करके दोबारा से। डब्बा नहीं लगा था उस समय, गाड़ी स्टार्ट हो गया। अभी देखिए जरा सा भी नहीं दे रहा, अभी गाड़ी रेस करते हैं। तो इसी प्रकार से पीआर भी चेक करते हैं, और रिटेनिंग चेक करने का यही फुल प्रोसेस है, ऐसा कोई नहीं समझाएगा आपको।